अगर हमें किसी ने विश किया तो हम क्या कहते हैं? अगर हमें किसी ने कहा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हम कहते हैं सेम टू यू, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू, हैप्पी पूजा, सेम टू यू। मतलब हम हर समय रिप्लाई में सेम टू यू कहते हैं। तो आज से ये सेम टू यू का रट्टा मारना हम बंद करेंगे। हम कुछ नया इंग्लिश के इम्प्रेसिव सेंटेंस एंड रिप्लाइज का यूज़ करेंगे, जिससे बोलने वालों को भी काफ़ी अच्छा लगे और सुनने वाले भी कुछ नए सुने। तो आप एवरी टाइम सेम टू यू बोलने के अलावा आप बोल सकते हैं विश यू द सेम। फिर नेक्स्ट जो है आप कह सकते हैं कि राइट बैक एट यू। एक ही तरह के विशेस, एक ही तरह के रिप्लाई दे के हम बोर हो जाते हैं, तो हम कुछ नया बोलना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं यू टू हैव द सेम टाइम। हम अपने इंग्लिश के वोकेबुलरी को हमेशा जितना हो सके इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से आपको कोई विश करे तो आप कहे सेम रिप्लाइज टू यू एज वेल। इसी के साथ एक बहुत ही इजी तरीके से भी आप विश कर सकते हैं, जो है रिप्लाइज कर सकते हैं, जो है सेम विशेस टू यू। अगर आपको कोई किसी भी चीज़ के लिए विश करे तो आप कह सकते हैं द फीलिंग इज म्यूचुअल। मतलब जो आप कहना चाहते हैं ये मैं भी कहना चाहती हूँ। फिर एक नए तरीके से आप कह सकते हैं आई विश द बेस्ट फॉर यू टू। दे सकते हैं आप कितने तरीके से अपने रिप्लाइज को दे सकते हैं, तो क्यों ना हम तरह तरह के तरीके से अपने वोकेबुलरी को इम्प्रूव करके रिप्लाइज करें। क्यों हम एक ही तरह से सिर्फ सेम टू यू से रिप्लाई करें? एक तरीके से बोल सकते हैं जो है सेम अप्लाइज टू यू। मतलब आपके लिए भी सेम अप्लाई होता है। ये वाला पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आप कह सकते हैं आई हार्डली रेसिप्रोकेट द सेम। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप कह सकते हैं यू जस्ट टोल्ड माई ग्रीटिंग्स। मतलब मैं ये बोलने वाला था तो आपने बोल दिया, आपने मेरी बात को ही रखा है। थैंक यू सो मच।